मोड़ासा ग्राम में पुलिस घटनास्थले पहुंची थी। वाहन में पेट्रोल भराव्या पछी वाहन बंद थई जवानी समस्या सर्जावा मामलो प्रकाश में आव्यो। सोमनाथ खाते भगवान सोमनाथ नो खास शणगार करवामां आव्यो हतो। कृष्ण नवमी ए लईने सोमनाथ महादेव नो अद्भुत शणगार करायो हतो। भगवान सोमनाथ की मध्याहन आरती करवामां आवी हती। भगवान दर्शन करीने भाविको धन्यता प्राप्त करी हती। वंसेना खोरासा गामे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर खाते नंद महोत्सव की बीजा दिवसे अनोखी उजवणी करवामां आवी हती। मंदिर सेवक युवानों बे टीम बनाने अति जोखमी स्टंट कर भगवान श्रीकृष्ण बे जन्म दिवस की उजवणी करी हती। जसदन तालुका आटकोट गावे अंबाजी मंदिर जानना जोखमे लोगए पसार करो हतो। तंत्र द्वारा वारंवार रजूआत करवामां आवी अने अहीं एक पुल बनावामां आवे पण बनावामां न आवता लोको जानना जोखमे कोजवे परथी पसार थवा मजबूर बन्या छे। नवरात्रि में पण हजारों लोग माताजीना दर्शन करवा आवता होय छे पण तेमने 3 किलोमीटर सुधीनो फेरो थाय छे। जो कि पुल बनावामां आवे तो लोगोने सरळता रहे पण तंत्रने अवारनवार रजूआत करवामां आवी छतां पुल बनावामां आवतो नथी। जूनागढ़ सोमनाथ हाईवे विस्मार थता वाहन चालकों ने हालाकी पड़ी रही है। जूनागढ़ जिला ट्राफिक पुलिस ना जवानों खाड़ा की मरामत कामगिरी हाथ धरी थी। वंथली और केशोद वच्चे नेशनल हाईवे पर खाड़ा सरखा करने कामगिरी शुरू कर। साबरकांठा सकाली जीन विस्तार में पड़ेला खाड़ा जोखमी बनया है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर पड़ेला खाड़ा कारण मात्र 10 मिनिट में ज बे रिक्षाओं पलटी खाई गई थी। साबरकांठा जिला वहीवटी तंत्र और स्थानिक भाजपा नेताओं हाईवे प्रश्नों निराकरण लावामां सफल निवड्या छे जेना पगले वाहन चालकों तेमज वेपारी वर्ग ने भारे हालाकी नो सामनो करवो पड़े छे। वरसाद बाद अमदावादना रस्ताओ बिस्मार बन्या छे ने रोडना खाड़ा पूरवा बाबते इजनेरी विभाग की रिव्यू बैठक में महापालिका कमिश्नरे अधिकारियों उधरो लीधो छे। पूर्वी विस्तार में घोड़ासर सहित विस्तार में बिस्मार रस्ताओ है और आ मामले म्युनिसिपल कमिश्नरे अगाउ टकोर कर चुक्या है। तेम छता पण कामगीरी न थता इजनेरी विभाग की रिव्यू बैठक में महापालिका कमिश्नरे उधरो लीधो छे। पाटण में गत प्रथम मे ना रोज गुजरात स्थापना दिवस की उजवणी समय नवीन रोड बनावामां आव्या हता। जो कि थोड़ा समय में आज नवीन रोड तूटी जवा लाग्या छे। पाटणना रोड रस्तानी जीएसटीए रियालिटी चेक करता नगरजनोनो आक्रोश स्पष्ट देखाई रह्यो छे। पाटण शहर में चोमासानी सीजन में पालिकानी कामगीरीनी पोल खुली गई छे। मात्र 2 इंच वरसादथी रोड रस्ता बिस्मार बनी गया छे जेना पगले समस्यानो कोई उकेल मळतो नथी। पाटणना हार्द समूह प्रवेश द्वार प्रथम रेलवे गन्नाड़ा थी मुख्य बजार नो रस्तो तूटी गयो छे। वाहन चालकों ने राहदारीओ पण मुश्किलीनो सामनो करे छे। सौराष्ट्रना खेडूतों में ड्रोन थी दवा छंटकावनी मांग वधी छे। मजूरी मोंघी थता खेडूतो ड्रोन तरफ वळ्या छे। राजकोट जिला में 500 एकरना 3 क्लस्टर माटे ड्रोन थी दवानो छंटकाव करवानी तैयारी करवामां आवी रही छे। राजकोट जिला में 232 खेडूतोए ड्रोन नी मदद थी दवा छांटवा अने अरजीओ करी हती। सूरत में खाड़ीपुर पानी थी लोगों ने राहत मिली थी। सूरत जिला में वरसाद विराम लीधा पानी ओसरवानी शुरुआत थी थी। सूरत पर्वत पाटिया ने पर्वत गाम विस्तार में पानी ओसरवा लाग्या हता। जो कि अनेक विस्तार में खाड़ीपुर कारण गंदगी फैलाई है। जे विस्तार में पानी ओसरिया होय तेवा स्थळे साफ सफाई की कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। खाड़ीपुर कारण 4-5 दिवस लोगों मुश्किल सामनो करवो पड्यो हतो। सूरतना खाड़ी विस्तार में पानी ओसरता महापालिका आरोग्य विभाग ने विस्तार में साफ सफाई शुरू करी है परंतु पर्वत पाटिया की सोसायटी में तंत्र द्वारा साफ सफाई न करवामां आवता रोगचाळा की भीति सेवाई रही है। 4-4 दिवस सुधी खाड़ीपुर पानीना कारणे लोको पोताना बाळक अने परिवारनी महिलाओ साथे वीजळी विना घरना धाबा पर समय बितावा मजबूर बन्या हता। लोकोना आक्षेप हता के जीवन जरूरियातनी चीजवस्तुओ माटे पण वलखा मारवा पड्या हता। जो कि हवे पाणी ओसरता राहत मळी छे परंतु साफ सफाईना नामे मात्र वेट उतारवामां आवी रही होवानो पण आक्षेप लाग्यो छे। रात्रि दरमियान मच्छरोनो उपद्रव जोवा मळी रह्यो छे जेना कारणे रोगचाळानी भीति छे। अमदावाद में फरी एक वक्त कोरोना केस में वधारो नोंधायो छे। खास करीने अमदावाद सिविल होस्पिटल में 9 दर्दीओ सारवार लई रह्या छे।
जेमां 7 लोकोनी हालत गंभीर छे। आ 7 दर्दीओमांथी 5 दर्दीओ बायपेप अने 2 दर्दीओ वेंटिलेटर पर छे। सिविल होस्पिटलमां स्वाइन फ्लूना दर्दीओमां पण वधारो नोंधायो छे। 2 बाळकों सहित कुल 13 दर्दीओ स्वाइन फ्लूनी सारवार माटे होस्पिटलमां दाखल छे। जो लोको जागृति नहीं राखे तो स्वाइन फ्लू अने कोरोनाना केसमां वधारो थई शके छे। અમદાવાદમાં વરસાદી ઝાપટા બાદ મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો જોવા મળ્યો છે। શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વાયરલ ઇન્ફેક્શનના દર્દીઓ વધ્યા છે। સામાન્ય તાવ સહિત મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસો પણ વધી રહ્યા છે। આ વર્ષે કમડાના સૌથી વધુ દર્દીઓ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવ્યા છે। જૂન મહિનામાં 159 દર્દીઓએ કમડાની સારવાર લીધી હતી। જુલાઈમાં 175 કમડાના કેસ નોંધાયા છે। મલેરિયાની વાત કરીએ તો ગયા મહિને 5-7 કેસ નોંધાયા હતા। ચાલુ મહિને 30 જેટલા કેસ મલેરિયાના થઈ ચૂક્યા છે। ईसा पास बुकेली गाम में पूर जेवी स्थिति सर्जाई थी। भारे वरसाद थी तड़ाव ओवरफ्लो थता गाम में पानी भरायू हतु। गाम में घोटणसमा पानी भराता खेडूतो, पशुपालकों तेमज विद्यार्थियों ने हालाकी नड़ी थी। विद्यार्थियों पानी में चालीने शाळाए जवा मजबूर बन्या हता। गाम में सर्वे करी असरग्रस्त लोगों ने सहाय आपवा ग्रामजनों ने मांग करी छे। માંગરોળના ઘેડ પંથકમાં અવજદ ભાદર, સાબલી, ધુવંતી સહિતની નદીઓએ માંગરોળના ઘેડ પંથકને તારાજી કરી નાખ્યું છે અને દર ચોમાસામાં ખેડૂતોને પાણીએ બરબાદ કરી નાખ્યા છે। હાલ અવજદ નદીમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ સર્જાતા ઓસા ઘેડ ગામે અવજદ નદીનો કાચો પાળો તૂટી જતા અવજદ નદીનું ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ ઘેડ પંથકના પાકને તો ધોયો, પરંતુ જમીનોનું પણ ધોવાણ થઈ ગયું છે। ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે માંગરોળનો ઘેડ વિસ્તાર જળબંબાકાર થયો છે। ઘેડ પંથકના ખેતરમાં પાણી ભરાતા સામરડા ગામના ખેડૂતોએ જીએસટીવી સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે નદીને ઊંડી અને પહોળી કરવામાં આવે તો ઘેડ પંથક પૂરની સ્થિતિમાંથી બચી શકે છે। ઘેડમાં પાણી ભરાવાના કારણે ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, જેથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। તો ડેમના 10 દરવાજા 1.5 મીટર ખોલવામાં આવ્યા છે। ડેમમાંથી 1,00,000 ક્યુસેક પાણી નર્મદા નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે। ડેમમાંથી કેનાલમાં 17,983 ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। અંકલેશ્વર શહેર ડીજીવીસી એલ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં રાજ્ય સરકારની ઝૂંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત 40 કુટુંબોને નિઃશુલ્ક વીજ કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે। સાથે અન્ય લાભાર્થીઓને નિઃશુલ્ક વીજ કનેક્શન આપવા માટેનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। સતત ત્રીજા દિવસે કડાણા ડેમમાં પાણીની આવક યથાવત રહી છે। ડેમમાં 29,000 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ છે। ડેમનું રૂલ લેવલ 416 છે અને તેને જાળવવા મહી નદીમાં પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। હાલ ડેમના 4 ગેટ 2 ફૂટ ખોલી 13,000 ક્યુસેક પાણી મહી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જે પૈકી 600 ક્યુસેક પાણી કેનાલમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે। ડેમના 3 પાવર હાઉસ કાર્યરત રાખી વીજ ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ભરૂચ અંકલેશ્વર વચ્ચેના જૂના નેશનલ હાઈવે પર છાપરા પાટિયા નજીક મગર નજરે પડ્યો હતો। મગરને જોવા માટે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા। અમદાવાદના દરિયાપુરમાં આવેલી હનુમાનવાડી પોળમાં મટકી ફોડનો કાર્યક્રમ માતમમાં ફેરવાયો। ચબુતરા પર બાંધેલો તાર ચબુતરા સાથે તૂટી પડતા યુવક નીચે પટકાયો હતો, જેથી યુવકનું ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યું હતું। ત્યારે મૃતક યુવકના પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે। મોરબીમાં સનાળા બાયપાસ પાસે યોજાયેલ ખાનગી મેળા પાસે એક કાર અચાનક સળગી, કારમાં આગ લાગતા જ નાસભાગ મચી ગઈ હતી। ફાયર બ્રિગેડે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ ઓલવી હતી। વિદેશ જવાની ઘેલછામાં અત્યાર સુધી લોકો ડુપ્લિકેટ પાસપોર્ટ ઝડપાતા હતા, પરંતુ હવે તો ફ્લાઇટની ડુપ્લિકેટ ટિકિટ પણ ઝડપાય છે। મૂળ બોડેલીના કૃષ્ણા પટેલે પોતાના લેપટોપમાં ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટની ડુપ્લિકેટ ટિકિટ બનાવી, તેમજ તેને કતાર એરલાઇન્સની ટિકિટ વિન્ડો પણ બનાવી હતી અને કતાર એરલાઇન્સના કર્મીઓને ટિકિટ ડુપ્લિકેટ હોવાનો ખ્યાલ આવતા તેને સીઆઈએસએફના હવાલે કર્યો, જે બાદ એરપોર્ટ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી।
सूरतना लसकाणामां टीआरबी जवान द्वारा एडवोकेट मेहुल बोधरा पर जीवलेण हुमलाना मामले कोर्टे टीआरबी जवानना 5 दिवसना रिमांड मंजूर कर्या छे। सघन पोलीस बंदोबस्त साथेनी टीआरबी जवान साथे भरवाडने साजन भरवाडने कोर्ट परिसरमां लावामां आव्यो ते समये वकीलोमां रोष जोवा मळ्यो। साथे जे साजन भरवाडना समर्थनमां पण मोटी संख्यामां तेना समाजना लोको कोर्ट परिसरमां पहोंच्या हता। बनासकांठा जिल्लाना कुकड़ी गामना लोकोने राजस्थानना सिरोही जिल्लामां गमखार अकस्मात नड्यो हतो, जेमां कुल 4 लोकोना मौत थया हता, ज्यारे 20 जेटला लोकोने इजा थई छे। रामदेवरा जता यात्राळुओना ट्रेक्टरने ट्रके टक्कर मारता अकस्मात सर्जायो। राजस्थानना सुमेरपुर हाईवेना पालडी रोड पर आ घटना बनी। इजाग्रस्तोने शिवगंज अने सुमेरपुर होस्पिटल खसेडाया। गुजरातना अंबाजीना रस्ते राजस्थान रामदेवरा जई रह्या हता त्यारे आ घटना बनी हती। घटनानी जाणकारी थता पाली जिल्लाना कलेक्टर नमीन मेहता घटनास्थले पहोंच्या हता। राजकोट रेलवे स्टेशने पोलीस जवानी सतर्कताना कारणे दुर्घटना टळी अने महिलानुं जीव बच्युं। एक महिला चालू ट्रेनमांथी उतरवा जती हती ते समये ठोकर खाईने पड़ी गई हती। जोके पोलीस जवानी नजर जता तेणे ते महिलाने खेंची लीधी अने तेनो जीव बचाव्यो। हिम्मतनगरमां पीपलोदी पासे हातमथी केनालमां बाळक डूबी गयो हतो। शुक्रवारे सांजे बाळक हातमथी केनालमां डूबी जता फायर विभागे शोधखोळ शुरू करी हती। बाळक कोटवाल रोड पर आवेली हरिनगर प्राथमिक शाळामां धोरण 8 अभ्यास करे छे।